चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब, अगर आप टीडीएम या क्लासिक में M24 बहुत तगड़ा खेलना चाहते हो ना, तो भाई आप बहुत ही सही जगह आए हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तभी आपके समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जब भी आप टीडीएम खेलते हो आपने देखा होगा आपके फायर करने से पहले ही एनिमी आपको फिनिश कर देता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो ये है कि आप प्रॉपर एनिमी को क्रॉस एयर से ट्रेस नहीं करते। तो इसके लिए एक बेस्ट ड्रिल लाया हूँ जिसको आप ट्राई जरूर करना। तो गाइस, ये ड्रिल के लिए सबसे पहले आपको यहाँ आके ये तीन टारगेट सेलेक्ट कर लेना है और मूवमेंट स्पीड फुल कर लेना, और फिर ऐसे आपको एक एक करके टारगेट को हिट करना है। बस आपका एम जो है ना, इन टारगेट से हटना नहीं चाहिए। इन टारगेट्स पर गोली मारो, देन नेक्स्ट टारगेट पर स्विच कर दो। ऐसे आप जंप करते करते भी कर सकते हो और ऐसे एकदम से पीछे घूम के फायर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई बंदा कैंप कर रहा होता है या सडनली पीछे से आके आपको फिनिश कर देता है। तो ये ड्रिल करने के बाद आप फटाक से फास्ट रिफ्लेक्स दिखा के इजिली किसी को भी मार पाओगे। गाइज, आप ना एक काम करो, आज से ही M24 TDM में खेलना करो बंद, और ये ड्रिल आप एक वीक तक बस 5 मिनट प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आप TDM में जाके खेलो और फिर देखना कि कैसे आप 1v1 क्या 1v4 इजीली बंदों को लपेट लोगे। गाइज, इस ड्रिल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इजी, हार्ड और एडवांस, तो मिस बिल्कुल भी मत करना। गाइज, आप में से बहुत से बंदे जो स्नाइपिंग करते हैं और अपनी स्नाइपिंग गॉड लेवल की करना चाहते हैं, तो ये वाली जो ड्रिल बताने जा रहा हूँ ना भाई साहब, गजब की ड्रिल है। गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी क्लासिक में आप स्नाइपिंग करते हो और फिर जैसे ही आप स्कोप ओपन करते हो तो स्कोप एग्जैक्ट एनिमी पे नहीं खुलता, और जितने देर में आप स्कोप को एनिमी के हेड पर ले जाते हो उतने देर में एनिमी आपका खोपड़ा फोड़ देता है। तो ये वाली ड्रिल में मैंने यही कवर किया है कि कैसे आपका एम डायरेक्ट हेड पर कनेक्ट हो। तो गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पर आके कस्टमाइज पे क्लिक करना है और स्टार्टिंग के 3 टारगेट्स को छोड़ के जितने भी टारगेट्स हैं ना सबको सेलेक्ट कर लेना है, और मूवमेंट स्पीड और हेल्थ दोनों 0 कर देना, और फिर ये जो टारगेट्स हैं ना क्रॉस हेयर को एग्जैक्ट टारगेट पर स्कोप ओपन करना है और हिट करना है। गाइज, आप पहले ये देखो, ऐसे ही आप बस 5 राउंड कर लेना बहुत है। आपको फिर से सेम सारे टारगेट्स को सिलेक्ट कर लेना है, बट यहाँ पे मूवमेंट स्पीड 170 रहेगी और हेल्थ 0। अब गाइज, ये जो ड्रिल है ना ये वाली पहले वाले से थोड़ी हार्ड है, क्योंकि इससे पहले वाले में आप जिन टारगेट्स पर फायर कर रहे थे ना वो टारगेट्स मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको मूवमेंट करते हुए टारगेट्स पर फायर करना है। हेड या बॉडी कुछ भी मारो, बस टारगेट को डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब बॉडी पे मारने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आप ये ड्रिल स्टार्ट करोगे तो आपको हेड कनेक्ट करने में ना प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप डायरेक्ट हेड पर ही मारना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, आप वो भी कर सकते हो। आई नो ये थोड़ा हार्ड है, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि आप ना कर पाओ। 2-3 बार करने के बाद ना आपको ये थोड़ा थोड़ा ईजी लगने लगेगा। गाइज, हमने ईजी कर लिया, हार्ड कर लिया, अब करने वाले हैं एडवांस। देखो इसमें क्या करना है, सेम वही कस्टमाइज पे क्लिक करके स्टार्टिंग के 3 टारगेट्स को छोड़ के सब सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर मूवमेंट स्पीड जो है वो रहेगी फुल, हेल्थ 0 और मूवमेंट स्पीड रहेगी फुल। फॉर एग्जांपल, गाइज मेरे को ना थोड़ा स्नाइपिंग में इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं स्नाइपर यूज़ नहीं करता, इसलिए मेरा थोड़ा एम टट्टी है, लेकिन आप अगर स्नाइपिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये सारे ड्रिल ज़रूर कर लेना। इस ड्रिल को करने के बाद ना आपका एम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा और आप रनिंग शॉट भी इजीली मार पाओगे। जैसे आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूबर्स डायरेक्ट हेड पे स्कोप खोलते हैं, एनिमी को नॉक कर देते हैं या फिर रनिंग शॉट मारते हैं। अगर आप इन सभी ड्रिल्स को कर लेते हो जो मैंने बताए तो आपकी स्नाइपिंग गॉड लेवल की होने वाली है, नो डाउट। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उन सारे टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो एक प्यारा सा कमेंट
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।